नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ड्रीम जॉब ऑफिशियल में। दोस्तों, क्या आपका भी UPI स्कॉलरशिप का डेटा जो है संशोधित करने के दिखा रहा है, जो कि इस तरह दिखाता है, आवेदन पत्र को संशोधित करें। तो आज की वीडियो में जानेंगे कि क्यों दिखा रहा है, क्या क्या वजह इसकी हो सकती हैं, और दिखा रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। चलिए देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए अगर आपको UPI स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर आना है और फिर लॉगिन करके अंदर आ जाना है। यदि आप लॉगिन नहीं करना जानते हैं कैसे करना है तो आपको हम बता दे रहे हैं। आपको यहाँ पे UPI स्कॉलरशिप टाइप कर देना है। उसके बाद आप जैसे यहाँ पे आएंगे, सबसे नंबर एक आपको मिल जाएगा scholarship.upi.gov.in। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह कुछ वेबसाइट खुल के आ जाएगा। फ़ोन में करेंगे तो थोड़ा दूसरी तरह से खुलेगा, सिस्टम में दूसरी तरह खुलता है। फ़ोन पर क्या करेंगे, उसके बाद पहले फ़ोन पे खोलेंगे तो स्टूडेंट, उसके बाद आपको इस तरह का आएगा। थोड़ा सा यहाँ पे फ़ोन अपना फिंगर ले जाकर रोकना है, फिर यहाँ से देखिए फ्रेश लॉगिन और रिन्यूअल लॉगिन दो तरह का मिल जाएगा। जो लोग फर्स्ट ईयर में हैं, BA फर्स्ट ईयर, MA फर्स्ट ईयर, BEd फर्स्ट ईयर, या फिर किसी भी पोस्ट के लिए जो फर्स्ट ईयर में है इंटर के बाद, वो यहाँ से लॉगिन करेंगे। पोस्ट मैट्रिक अदर दैन इंटरमीडिएट, इंटर के पहले हैं तो इंटर में, यहाँ प्री मैट्रिक यानी हाई स्कूल वाले यहाँ पर, इंटरमीडिएट वाले यहाँ पर। तो बेसिकली हम जो बताने जा रहे हैं वो पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट के लिए है। तो हम यहाँ से लॉगिन करेंगे फ्रेश लॉगिन अगर फर्स्ट ईयर में है तो, सीट रिन्यूअल में है तो रिन्यूअल लॉगिन यहाँ पे करेंगे। इस पर हम इस पर क्लिक कर लेंगे। तो कुछ इस तरह खुल के आ जाएगा, जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड यदि आपके पास नहीं है, भूल गए हैं किसी कारणवश, तो यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा, प्री मैट्रिक या पोस्ट मैट्रिक। तो आपको पोस्ट मैट्रिक वाले पे क्लिक करके अपना पासवर्ड फॉरगेट कर लेना है। तो चूँकि हम लॉगिन है तो मैं लॉगिन करके आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो आप जिसे संशोधित करके दिखा रहा है तो आपको यहाँ पर जाना है। तभी एरर होगा क्योंकि हम यहाँ पर इधर खोल लिए हैं, इस वजह से एरर हुआ है। चलिए मैं इसे बैक कर लेता हूँ और दोबारा लॉगिन करके दिखाता हूँ। दोस्तों, दोबारा लॉगिन हो गए हैं। अब हम यहाँ पे आवेदन संशोधित पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे सब डिटेल खुल के आ रहा है। आप में से कुछ लोगों का क्या होगा, यहाँ पे चेंज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कुछ नहीं चेंज हो रहा है। लेकिन इनकी में देखा जाए तो यहाँ पर देखिए खाता संख्या चेंज हो रहा है, यहाँ पर पूरा पिछले वर्ष का मार्क्स नहीं चेंज हो रहा, देखिए पिछले वर्ष का डिटेल नहीं चेंज हो रहा है, इनका अकाउंट नंबर चेंज हो रहा है। अगर ये बिना बैंक चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, किसी कारणवश हो सकता है इनमें कुछ गलत हो, इस वजह से ये खोल रहा है। ये आपका गलत है, अब अगर सही है तो कोई दिक्कत नहीं, इसे छोड़ दीजिए। और इनका एक देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, रिस्पांस फ्रॉम PFMS। यहाँ पे इनके ये नहीं दिखा रहा है कि आपका फॉर्म जो है भेजा गया है। अभी हम आपको दो तरह के फॉर्म खोल के और दिखाएंगे, जिसमें दिखाया रहेगा यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉरवर्डेड बाय द इंस्टीट्यूशन, ये सब यहाँ पे इनके नहीं दिखा रहा है। अब इनका वेरीफाई हुआ है, वहाँ से दिखा रहा है कि आपका जो है इनके अकाउंट में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, इस वजह से यहाँ पे दिखा रहा है। यदि अब गड़बड़ी है तो सबमिट करके यहाँ पे कैप्चर कोड डाल के सबमिट कर देंगे और उसके बाद आपको फीस को कॉलेज में जमा करना होगा। तो एक फॉर्म का तरीका ये हो गया। दूसरा मैं आपको फीस दिखाता हूँ मैं अपना लॉगिन करके। तो देखिए हमने अपना लॉगिन कर लिया है, देखिए मेरा दिखा रहा है अंकित कुमार। अब मैं इसे संशोधित करके यहाँ पर देखता हूँ इसमें क्या दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे आएंगे तो आपको दो नहीं मिल जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे ये दिखा रहा है कि कॉलेज से भेजा गया है। इसके पहले वाले में सिर्फ यही दिखा रहा था, रिस्पॉन्स फॉर्म PFMS, लेकिन हमारे में देखिए कहीं पर कोई भी ऑप्शन संशोधन के लिए नहीं खुल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा डेटा सारा कुछ सब सही है, हम इसमें अब सबमिट वबमिट कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि सबमिट कर देंगे तो फिर संदेहास्पद में सबमिट आएगा, फिर हमें कॉलेज में जमा करने के लिए फिर हमें करना पड़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, यहाँ सीधे हम बैग आ जाएंगे। यदि आपका कुछ दिखा रहा है संशोधन के लिए तो आप संशोधित कर सकते हैं, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हम नहीं करना है, यहाँ पर हम नहीं करेंगे। और आपको हम एक तीसरा फॉर्म दिखाते हैं जो कि सेकेंड ईयर का है। तो हमने तीसरा फॉर्म खोल लिया है, यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर दिखा रहा है इनरोलमेंट नंबर, ये रोल नंबर आर नॉट मैच, यूनिवर्सिटी अपलोडेड डेटा, सस्पेक्ट मार्क्स, ये परसेंटेज बिलो देन 33%,
प्रमोटेड विदाउट मार्क्स, अटेंडेंस परसेंटेज लेस देन 75%। यानी इतने कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका फॉर्म संशोधन में आ गया है। यदि आपकी अटेंडेंस 75% से कम है तब भी हो सकता है, आपने प्रमोटेड विदाउट मार्क्स अगर डाला हुआ है, आपका रिजल्ट नहीं आया था या फिर प्रमोट कर दिया गया है तो उस वजह से हो सकता है, और आपका परसेंटेज 33% से कम है, या इनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर गलत है इतनी वजह से, और आपने एक अकाउंट नंबर का देख ही लिया है कि अकाउंट नंबर भी गलत होने की वजह से ये सस्पेक्ट में आ गया है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या संशोधन में खुल रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ तक कुछ नहीं खुल रहा है। इनका दिक्कत है गत वर्ष परीक्षा फल में प्रमोटेड विदाउट मार्क्स, यानी इन्होंने प्रमोटेड विदाउट मार्क्स वाले में चूज किया था, इसमें कि मार्क्स नहीं डाला था और फॉर्म को सबमिट कर दिया गया था, और इनरोलमेंट नंबर सही है। दिक्कत इनका रहा है यहाँ पे क्योंकि एग्जाम हुआ नहीं और प्रमोट कर दिया गया था, इस वजह से ये संशोधन के लिए खुल रहा है, और अभी तक मार्क्स मिलने का कोई चांस भी नहीं, इस वजह से यहाँ पे हम कुछ डाल के सबमिट नहीं कर सकते। यदि आपका रिजल्ट आ गया है, एग्जाम हो गया है विदाउट मार्क्स, अगर विद मार्क्स हो गया है प्रमोटेड, तब आप यहाँ पे नंबर डालेंगे, क्योंकि विदाउट मार्क्स किया गया है इस वजह से हम नंबर नहीं डालेंगे। या फिर अगर आपका एग्ज़ाम हो गया है, रिजल्ट नहीं आया है, तो आप यहाँ पर रिजल्ट नॉट डिक्लेयर डालेंगे। पास हो गए हैं तो पास क्लिक करके अपना सारा डिटेल फिल करके सबमिट करके आप कॉलेज में जमा कर देंगे। तो ये हो गया इसका थर्ड वाले फॉर्म का प्रोसेस। तो उम्मीद करते हैं आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा, तीनों का हमने करके अलग अलग दिखा दिया है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय।